सोचती हैं, जमहूरियत का तसलसल आर्मी चीफ ने कहा जरूरी है, हो रहा है। जमहूरियत के तसलसल से मुराद अब ये लेनी चाहिए कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंगेज किया जाए। अच्छा देखिए, जमहूरियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि इलेक्शन हो जाएं और पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातें आ जाएं, एक हकूमत बना ले, एक अपोजिशन की ट्रेजरी साइड पे बैठ जाए। जमहूरियत की असल रूह तो ये है कि तमाम डिपार्टमेंट जो हैं, तमाम इदारे जो हैं, अपने डोमेन में रहकर काम करें। और बाकी इसके आगे और भी बड़ी लंबी तारीफ है, जैसे तो मैं ये समझती हूँ ठीक है। जैसे सिंध में कचरे के ऊपर जनाब आपको मैंने इमरजेंसी का मुतालबा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि, मैं ये समझती हूँ कि तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट ही कचरा उठाती है, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं उठाती है। लेकिन जब सिंध पे बात की जाती है तो उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है। तमाम सूबों में हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वो, उस पर पुराने चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत अच्छे तबसरे किए, और सिंध के इस वक्त सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती। सिंध में दिल का इलाज फ्री है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री है, साइबर नाइफ की सहूलत मौजूद है, हेपेटाइटिस का इलाज पड़ता है इलाज के लिए। देखिए जाना पड़ता हो, लेकिन मैं आज मेरी जो टांग टूटी उसकी फिजियोथेरेपी भी मैं अब जिना हॉस्पिटल से करा रही हूँ। ये इंसान का हक है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो जहां से चाहे तालीम हासिल करे, जहां से चाहे अपना इलाज कराए, ठीक है। तो मैं आपने तो बात नहीं काटी, कोई सा सूबा ऐसा नहीं है जिसने, कोई सा सूबा ऐसा नहीं है जिसने 660 मेगावाट बिजली बनाई हो। हमने 660 मेगावाट बिजली बनाई है, अल्टरनेटिव एनर्जी के मंसूबे भी हमारे यहाँ लगे, और बात है कि सफर कर रहे हैं, हमें जो है विफाक इस तरह से पैसा नहीं देता, और K4 भी हमारा सफर कर रहा है, विफाक ने हमें कुछ नहीं दिया इसमें, और S3 भी जो कि 36.11 बिलियन का है, विफाक ने उसमें से हाथ उठा लिया है। तो ये सारी बातें करने की हैं, या बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जैसे कराची से लाहौर का मोटरवे, विफाक ने उस पर आधे पैसे दिए हैं, या BRT है उसमें उन्हें 10 मिलियन देने थे, उन्होंने सिर्फ 10 बिलियन देने थे, सिर्फ 2 बिलियन दिए। इसी तरह बहुत सारे एक्सटेंशन के मंसूबे हैं, नॉर्दर्न बाईपास के, ये तो आपकी आपकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल बड़े अच्छे हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन कचरा भी बहुत है। और इस पर इमरजेंसी का मुतालबा हो रहा है, इमरजेंसी का शैला जी, कि इमरजेंसी लगाए कराची के कचरे को उठाने के लिए, ये कहीं दुनिया में आपने सुना है कि कचरे के लिए इमरजेंसी लगे? देखिए